हे गाइस, आई एम मनीष यादव। सो एक नया कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुका है साहिल खान और भरत सिंह बालिया में, और ये ज़बरदस्त आगे बढ़ने वाला है भाई। हिंदू मुस्लिम कस के हो रहा है और अब तो ये देश पे भी आ गया है। तो चलिए दोस्तों, क्या बोला है, कौन किसे क्या कहा, चलिए देखते हैं। तो इस साल मनाइए प्रोटीन वाली दिवाली। जी हाँ, आप सब हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं और माई फिटनेस पीनट बटर दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक है। आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी ब्रांड माई फिटनेस पीनट बटर अब लेकर आया है प्रोटीन वाला पीनट बटर। जैसा कि आप लोगों ने देखा था मुझे ओलंपिया के स्टेज पर, हिंदुस्तान का पहला इंसान जो एज अ चीफ गेस्ट गया था पिछले साल, और पहला ब्रांड माई फिटनेस पीनट बटर जिसने हिंदुस्तान का झंडा मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर लहराया था। आज वही ब्रांड के ऊपर मिस्टर ओलंपिया का लोगो है हर एक एक डब्बे पर, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी हम में से कोई हमारा भाई एथलीट हिंदुस्तानी मिस्टर ओलंपिया में मिस्टर ओलंपिया जीतकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा और हमारा झंडा लहराएगा। सो नीचे यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ प्रोटीन वाला माई फिटनेस पीनट बटर खरीदने के लिए। आपको इस लिंक को क्लिक करना है, वरना जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो हमारे दुकानों में हैं, आई एम श्योर ये ब्रांड आपके घर घर पे अब पहुंच चुका है। और इस साल मनाइए प्रोटीन वाली दिवाली सिर्फ माई फिटनेस पीनट बटर के साथ। क्या हाल है मित्रों, जय श्री राम। देख रहा हूं कोई बड़ा देशभक्ति दिखा रहा है, कह रहे हैं कि झंडा हमारा तिरंगा ओलंपिया के स्टेज पे फहरा दिया। मैं वो वीडियो देखना चाहता हूँ जहाँ तिरंगा ओलंपिया के स्टेज पे फहरा हुआ था। देखिए, ये तो बहुत गर्व की बात होगी अगर फहरा था या फहरेगा पूरी दुनिया में फहरेगा, लेकिन झूठ बोल के तो नहीं फहरेगा ना। अपने स्टॉल के ऊपर फहरा कर, अच्छी बात है फहराया, लेकिन फहरा कर ऐसा दिखाना कि ओलंपिया मेन स्टेज पे फहरा था, ऐसा झूठ रचकर अपने ब्रांड की प्रमोशन तो मत कीजिए। ये स्पष्ट दिखाई देता है कि आपको केवल पैसे पैसे और पैसे से मतलब है। एथलीट्स को स्पॉन्सर करने की बात करते हैं, लेकिन स्पॉन्सर करते हैं कुत्ते बिल्ली को, और अच्छे अच्छे एथलीट्स की टांग खींचते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। तुम जैसे लोग ये मत भूलो कि भारत सिंह वालिया खड़ा है तुम्हारे सारे के सारे प्रपंच लोगों के सामने रखने के लिए। मेरी भारत भूमि, मेरा तिरंगा, मेरी शान, और इसके नाम पे अगर बिजनेस करोगे तो कपड़े फट जाएंगे। आओ वापस तो आओ, बुला रहे हैं सारे देश के हिंदू। क्या लगता है तुम्हें, बिना माफ़ी मांगे बिना सज़ा भुगते हमारे महादेव का अपमान करके बच जाओगे? जो महादेव का अपमान करवाएगा वो पाकिस्तानी कहलाएगा। आज तक तो भजन के ऊपर किसी क्लब में डांस नहीं होता था, जो तुम शुरू करने की कोशिश कर रहे हो तो इतना कह दूं गाड़ दिए जाओगे, समझे। दुबई में जो किया ना तुमने और यहाँ पे तुमने फैलाया कि यहाँ बहुत क्लब्स बन रहे हैं, यहाँ बहुत वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, हम भजन मंदिर में बजाते हैं श्रद्धा से, नृत्य करते हैं, नाचते हैं, वहाँ शराब नहीं होती, भजन कीर्तन नाचने गाने के लिए ही होता है, लेकिन राक्षसों की जगह पर नहीं। जो ये तुम सेट करने की कोशिश कर रहे हो, जो ये संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें ये चेहरा हमेशा सामने मिलेगा, बुझे।